हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैलाश पहुंचने से पूर्व उरीनी होना चाहते हैं। कौन से ऋण से उरीनी होना चाहती हो तुम? अपने पूर्व जन्म के ऋण से, पिता दक्ष के ऋण से, इस विवाह के परिपूर्णता हेतु ये अति आवश्यक है। संदी, तुम गंध और प्रहलाद के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करो। मैं शीघ्र ही आऊंगा। और इसे अपने पास सुरक्षित रखो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हमें भी आपके और माता पार्वती के स्वागत सत्कार का प्रबंध करने का अवसर मिल जाएगा। सती की मृत्यु के पश्चात जिन शक्तिपीठों की स्थापना महादेव ने की थी, उन सभी शक्तिपीठों से होते हुए महादेव और पार्वती मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं। कर्णिका गिर गई थी। आज अपनी दूसरी कर्णिका अर्पित कर हमने इस शक्तिपीठ को पूर्ण कर दिया है। आज तक इस शक्तिपीठ पर पूजा अर्पित करने वालों को केवल मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती, किंतु अब हम दोनों की होगी। सती, मेरी पुत्री सती। पिताजी,
पिताजी का स्वर है। सती, मेरी पुत्री सती, मेरे पापों का प्रायश्चित अभी पूर्ण नहीं हुआ है पुत्री, उसमें और वृद्धि मत करो। तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हो रही है पार्वती। तुम्हारे प्रज्वलित शरीर को देखकर मेरे चक्षुओं में जो जलन थी वो आज तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर देखकर शीतलता में परिवर्तित हो गई है। मैं अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न। प्रसूति का कथन उचित है सती। मैं आज से पूर्व अपने सभी त्रुटियों और असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूं। भूल तो हमसे भी हुई थी पिताजी, प्रेम के वास्तविक स्वरूप से हम विमुख थे। शिव भक्ति की सारी अवस्था से भी अपरिचित थे हम। संभवतः हमारा प्रयास तो आपको महादेव के उन पक्षों को व्यक्त करने का होना चाहिए था जिनकी अनुभूति हमें अब हुई है। किंतु हम तो प्रेमांध होके केवल प्रेम आलाप का वर्णन ही करते रहे आप दोनों से। हमने भी तुम्हारे प्रेम को समझने का प्रयास नहीं किया पुत्री, परंतु अब शिव के बहुयामी स्वरूप को हम भली भांति समझ गए हैं। जिस पुत्री को मैंने सुहागन के रूप में आत्मदाह करते देखा था, आज वही सुहागन रूप मेरे सम्मुख है। चलिए पिताजी, हम आप दोनों को आपके जमाता से भेंट करवाएं। तुम्हारे मुख से पिता का संबोधन सुनकर अत्यंत हर्ष हो रहा है पुत्री। आप दोनों सदैव हमारे माता पिता रहेंगे। आज तुमने हम पर लगे हुए हत्या दोष के कलंक से हमें मुक्त कर दिया है। चलिए महादेव से मिलने। नहीं पुत्री, नहीं, उनसे मिलने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। कितना अपमानित किया है मैंने उनको। नहीं पिताजी, आप दोनों के आशीर्वाद के अभाव में हम अपने नवीन जीवन का शुभारंभ नहीं कर सकते। हमारे महादेव तो आशुतोष हैं, उनकी करुणा सर्वविदित है। वो आप दोनों को क्षमा कर आप दोनों को मुक्ति दिला देंगे। पाताल नरेश की जय हो। असुरराज तारकासुर और असुर गुरु शुक्राचार्य पधार रहे हैं।
तारकासुर। आपके नाम की तो बेहद ख्याति है, आप तो स्वर्ग पर आधिपत्य बनाए हुए हैं, परंतु यहां आने का प्रयोजन? ख्याति तो आप दोनों की भी बहुत, और यह सर्वविदित है कि आप लोगों का संहार ना तो देवता कर सकते हैं और ना ही मानव। सही सुना, स्त्री के सिवा हमें कोई मार ही नहीं सकता तारकासुर।